अब क्या बताऊं, ऐसे ही है सूरज, गुस्से में लाल नहीं आग का गोला हो जाता है। ये कहानी है गर्म सूरज की, उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की। ये कहानी है इस गर्म शरीर के ठंडे सपनों की। एक टॉय से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा। मंगलयान पर बैठ के धरती पर आया ये एलियन। बाल देखे इसके लाल। सूरज की अम्मा सूर्य वंशम देखी रही 150 बार, तभी ना पैदा हुआ है सूर्य वंशम। मासूम सूरज अपनी गर्मी से अनजाना था, आइसक्रीम खाने के लिए दीवाना था। सॉफ्टी पकड़ता तो जल जाती और दूध की कुल्फी पिघल जाती। घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही। तू हमारा हाथ जला देता है। पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही, पर भाई हौसला तो रखना था, भाई बच्चा भी तो अपना था। ठंडे को गर्म करना, बाल्टी के पानी को बॉईल करना, बहन के बालों को स्ट्रेट करना, और कभी कभी मस्ती में डेयर डेविल बनना। मम्मा, सूरज ने मेरा रॉकेट जला दिया। फेस पे कल्लन के खेत की मुल्तानी मिट्टी, हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तेल, पीठ पे शाहरुख का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया, और मुन्ना बर्फ डिपो का आइडिया भी भाप बन गया। माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया, मंदिर की घंटी, चर्च में फादर बंटी, गुरुद्वारे की सीढ़ियाँ और दरगाह की कवालियाँ, पर सूरज ज्यों का त्यों रहा मियाँ। बस अब लास्ट रिजॉर्ट है इसकी शादी, शायद इसी से इसकी गर्मी निकल जाए। लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी, सूरजमुखी शर्माते हुए भजिया तल रही थी। इतने में लड़की के पप्पा छिल्लर जी बोले, तो चक्रवर्ती साहब रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ जरूर, पर हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड, छिल्लर फैमिली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड। सुनकर छिल्लर जी फिर से बोले, बस कितनी सी बात। बेटा सूरजमुखी, अरे सबका मुंह मीठा कराओ भाई। सूरजमुखी झट से कुल्फी ले आई, एक एक करके सबको थमाई। थैंक यू थैंक यू। ले लीजिए। बट इस बार सूरज की कुल्फी ना पिघल पाई, और ये देख छुटकी चिल्लाई, मम्मा भैया ठीक हो गए। रिश्ता पक्का हो गया, सूरज वाकई चंगा हो गया। इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया।